Anmol Juneja Daddy. Anmol Juneja Daddy. मतलब जिसको नहीं पता YouTube NextUp क्या होता है भाई, शॉर्ट में समझा देता हूँ क्योंकि बहुत बारी समझाया मैंने लोगों को। YouTube ने मेरे को 1.5 लाख रुपए दिया क्योंकि उनको लगता है मेरा चैनल ग्रो हो सकता है और उनको कंटेंट अच्छा लगा। इस ऊपर का मैं एक्सप्लेन करना नहीं चाह रहा क्योंकि मैंने बहुत बारी कराया। ओ भाई बहुत तेज आवाज़ है। ये भाई साहब ये बहुत बढ़िया था भाई, ये मॉनिटर बहुत सही था। इट वॉज अल्ट्रा वाइड, लेनोवो का था, अमेजिंग। मैंने इस पे फीफा खेली थी बहुत। मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, जो नेक्स्ट स्टेप पे गए थे उनको सिर्फ उन्हीं को समझ आएगा मैं क्यों हंस रहा हूँ। मैं कुछ नहीं बोलना चाहता और मैं भी बताऊंगा कि मेरे को ऐसा क्यों करवाया गया था। मतलब उसका मतलब एक रीज़न है, मतलब मैंने इतना इतना परेशान कर दिया था लोगों को कि उनको मुझसे ये करवाना पड़ा। I found out a lot about the search and discovery just और भाई ये तुम्हारे सिख वॉरियर भाई साहब, अगर ये नहीं होते ना नेक्स्टटॉप में, हमारे कम से कम सेशन अगर 6 घंटे के होते थे ना तो 3 घंटे माइनस हो सकते थे। ठीक है भाई, हर चीज़ पे क्वेश्चन भाई। भाई पगला गए थे भाई सबके सब। चैनल के बारे में पता चलेगा लोग यहाँ पर भी क्वेश्चन ही पूछ रहा है, नए लोग सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। इट वॉज रियली फन एंड आई होप नेक्स्ट 4 डेज विल बी सेम। तो जो अभी रीज़न था ना कि मेरे को वो करवाया गया था टेक दियर, क्योंकि ये सब लोग जब बाइट दे रहे थे ना पूरा टाइम, मैं फुल मस्ती मार रहा था और मैं किसी की नहीं सुन, तो लास्ट डे पे वो मुझसे करवाया गया था बहुत ज़बरदस्ती। तो हर जगह ही चलता टुडे वी हैड द लाइटिंग सेशंस एंड मैं जा रहा हूं फोटोशॉप इस पे था ही नहीं मैं बेसिक्स। BeastBoyShubh Carryminati और बहुत मजा आया। इससे मुझे याद आया ये देखो ये टेक्निकल गुरुजी 16 मिलियन, ये मैं कितने हजार 10,000 12,000 13,000 पता नहीं यार कितने हुए, चलो जितने भी हैं ठीक है। तो हुआ क्या, ये आए 2 मिनट पहले, नहीं बाकी सब 2 मिनट लेट थे, तो हमको 2 मिनट मिल गया बात करने के लिए। भाई टेक्निकल गुरु जी भाई पूछते हैं मुझसे, भाई क्या खेलते हो, मैंने बोला फोर्टनाइट। बोलते इंडिया में कोई देखता है, मैंने बोला नहीं। बोलते फिर कुछ था ही नहीं। उन्होंने पूछा ना, मैंने बोला अनमोल। बोलता आपके बाल बहुत अनमोल है भाई। मेरे को उस जोक पे हंसना पड़ा था, 16 मिलियन सब्स हंसना पड़ता है। और बहुत मजा आया यहाँ पर, बहुत सही सही लोगों से बात की और बहुत ऑसम बात की है और बहुत ही डिटेल में बात की है कुछ टॉपिक्स के बारे में। आई थिंक डिटेल में क्या बात करिए मैं बताता हूँ। तो सब पूछ रहे थे भाई हम सब पीसी पे गेम खेलते हैं, हमको कोई देखता नहीं, हम क्या करें, हम मोबाइल गेम नहीं खेलना चाहते। तो कैरीमिनाटो बोलता मोबाइल खेलो, मोबाइल वाली गेम खेलो। मोबाइल खेलो क्यों बोलो, बट ठीक है मोबाइल वाली गेम खेलो। फिर मैंने सोचा यूट्यूब वाले कुछ बताएंगे, यूट्यूब वालों ने क्या बोला, मोबाइल गेम खेलो। वाज लाइक ओके, आई होप ये जितने भी लोग हैं कुछ कर ले यार अपनी जिंदगी में, ठीक है ओके। We had a super talk about gaming stuff going on over here, had a really good time. I hope it works wonder for these kids and also helps us out build the economy out there in the gaming industry. It all in all it was a great session. देखो मैं उधर भी कुछ रिएक्शन नहीं कर रहा, देख कितनी देर पहले ये देखो so helps out build the economy out there in the gaming industry. It ये देखो मैं चिल कर रहा हूं, मैं खड़ा हुआ, मैं चिल कर रहा हूं ठीक है। और ये एजी और डांग ऋषो का क्या हुआ मुझे नहीं पता, मेरे को जान लग। All in all it was a great session. ये है लायर्स एफसी से रजत, इसका है फुटबॉल गेमिंग चैनल
और मैंने फीफा में बहुत ही गलत हराया, अभी 0-0 स्कोर चल रहा है क्योंकि सिर्फ 5 मिनट है। उसके बाद मैंने 6 या 7 गोल मारे थे, मुझे अभी भी याद। और अभी याद है, अभी याद है इस पे बात। ही इज मालमर, ही इज फ्रॉम केरला। ना इसको हिंदी सही से आती ना इंग्लिश, तो मैंने इसको सिर्फ एक ही चीज, कुछ भी समझना है पूरे सेशन में, बस खड़ा होना और बोलना चूतिया। ये डेयर मिला था मेरे को जाके कृष्णा को हक करने में, उसका बच्चा लग रहा हो और हम एक्चुअली सिमिलर एज। ओके ओके, मतलब मेरे को लगता है सबके बाल अभी यहाँ पे अजीब से लग रहे हैं, ठीक है। और इसका रीज़न मैं बोल सकता हूँ कि होटल का शैम्पू, क्योंकि सबके बाल बेकार लग। I have learned a lot of mistakes which I was doing before and now I know how. ये सब बाइक दे रहे, मैं उधर गेम खेल रहा है, ठीक है। तभी मुझसे टेक दिए क्योंकि मैं कुछ कर ही नहीं रहा था, मैं गेम खेल रहा था। To overcome it. Now I know what exactly I did wrong. Oh. Now I know what I need to do right. Next step पे आने का बहुत ही अलग experience था, एक के बाद एक नई चीज सीखने को मिली। This was a dream for me and today my dream has come true. ये सब रिएक्शन दे रहे, मैं सिर्फ लेके खड़ा हूँ। नहीं सीख, बस एंड में यही बोलूँगा, लाइव स्ट्रीम देख लिया करो यार, बस इतना ही बोलना।